हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स 2023, 2022 को भी रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। विदाउट डिले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स इन विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023। सही आंसर है ए, इंडिया। इंडिया ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स 2023 में। फैक्ट देखिए, इसे होस्ट किया था न्यू दिल्ली इंडिया ने, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे अधिक गोल्ड भी इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं। किसने लाया है? नीतू घनघास, स्वेटी बोरा, लवलीना बोरगोहेन एंड निखत जरीन, इन 4 लोगों के द्वारा इंडिया में गोल्ड लाया गया है। दूसरे नंबर पे है चाइना 3 गोल्ड के साथ, रशिया 1। हु वॉन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023? अर्जेंटीना ओपन किताब 2023 किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन से हैं। इन्होंने यूके के कैमेरोन नोरी को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। अर्जेंटीना ओपन जो है ये टेनिस टूर्नामेंट है। विच कंट्री वॉन 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 टाइटल? सही आंसर है ए, इंडिया ने 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। खास बात क्या है, मेंस टाइटल विमेंस टाइटल दोनों विनर इंडिया ही है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल्स इन 2023 एशियन रेस्टलिंग चैंपियनशिप? तो आंसर है डी, काजकस्तान। एशियन रेस्टलिंग चैंपियनशिप 2023 होस्ट कंट्री अस्ताना काजकस्तान ही है, जो पहले नंबर पे है 20 मेडल्स के साथ, दूसरे में जापान। इंडिया का रैंक है 7th, 14 मेडल्स के साथ, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 विमेन्स प्रीमियर लीग? किस टीम ने 2023 महिला प्रीमियर लीग का किताब जीता है? बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने अपना पहला टाइटल जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। 2023 विमेंस प्रीमियर लीग को होस्ट इंडिया ने ही किया था। टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? हेले मैथ्यूज, 16 विकेट्स इन्होंने लिया है। सबसे ज़्यादा रन बनाया है मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल से है, 345 रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे गया है? हेनले मैथ्यूज को, जो मुंबई इंडियंस से हैं। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ ईरानी कप 2022-23? ईरानी कप 2022-23 का किताब जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने, तो रेस्ट ऑफ इंडिया विनर है। मध्य प्रदेश को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। 2022-23 जो था 59th एडिशन खेला गया है ईरानी कप का, जो क्रिकेट टूर्नामेंट है। विच टीम वॉन 2022-23 संतोष ट्रॉफी टाइटल? तो 2022-23 संतोष ट्रॉफी का किताब जीता है कर्नाटका ने। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2022-23 में 76th एडिशन खेला गया, विनर कर्नाटका है। मेघालय को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। वेस्ट प्लेयर है रोबिन यादव, वेस्ट गोलकीपर कौन है? रजत पॉल। हु वॉन द टाइटल ऑफ केन्या लेडीज ओपन 2023? केन्या लेडीज ओपन 2023 का किताब किसने जीता? आंसर इज सी, अदिति अशोक। अदिति अशोक जो है ये कर्नाटका से हैं, इंडियन गोल्फर हैं। इन्होंने ही 2023 का केन्या लेडीज ओपन टाइटल जीता है। हु बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना? डी, केबल किरण क्लोदिंग लिमिटेड। हु हैज़ वॉन द मेन्स सिंगल्स टाइटल एट 2023 स्विस ओपन?
आंसर इज ए कोकी वेटनाबे, जो जापान से हैं। 2023 स्विस ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल इन्होंने जीता है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन अंपायर इन अ मेंस T20 IPL मैच। मेंस T20 IPL मैच में पहली महिला अंपायर कौन बनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आंसर इज बी किम कॉटन। किम कॉटन जो है ये न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? क्रिस हिपकिंस। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट 2023 स्पेन मास्टर्स। स्पेन मास्टर्स 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है केंता निशिमोटो। स्पेन मास्टर्स जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट है। मेंस सिंगल्स का टाइटल केंता निशिमोटो ने जीता है, जो जापान से हैं। विमेन सिंगल्स का टाइटल ग्रेगोरियो मरिस्का टुंगजंग जीता है। ये इंडोनेशिया से हैं। हु वॉन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2023। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 का किताब जीता है? सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। चैंपियन सौराष्ट्र है, रनर अप बंगाल है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? अर्पित वसावडा को। विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन कप ऑफ फुटबॉल। कौन सा देश फुटबॉल के 2027 एशियन कप की मेजबानी करेगा? आंसर इज डी साउथ अरेबिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा मेंस रैंकिंग। फीफा मेंस रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? आंसर इज सी 101। फीफा मेंस रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे है अर्जेंटीना, सेकंड फ्रांस, भारत का रैंक 101 है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। आंसर इज डी जर्मनी ने 2023 मेंस का FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। होस्ट इंडिया ने ही किया था। चैंपियन जर्मनी है, जो तीसरा टाइटल जीता है। रनर अप टीम कौन थी? बेल्जियम। वेस्ट प्लेयर कौन है? निकलास वेलेन जर्मनी से। वेस्ट गोलकीपर कौन है? विंसेंट वनास्ट, जो बेल्जियम से हैं। हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 6000 रन्स इन IPL। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ए डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी हैं। इन्होंने IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाए हैं। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू हिट, यहाँ पे हिट होगा, हिट अ डबल सेंचुरी इन ODI। ODI में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। द यंगेस्ट प्लेयर हैं, यानी कि सबसे कम उम्र के हैं। इन्होंने 149 बॉल्स में 208 रन्स बनाया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में। हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? डी कागिसो रबाडा। विच कंट्री वॉन 2023 ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल। किस देश ने 2023 ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑस्ट्रेलिया। होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। 2023 में 8वां एडिशन खेला गया। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, 6th टाइटल जीता है। रनर अप टीम साउथ अफ्रीका थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज
सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, किस कंट्री से है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। हु बिकेम इंडियाज 80th चेस ग्रैंड मास्टर, भारत के 80th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर है बी विग्नेश एन आर। 79th नंबर में कौन थे? प्रणेश एम। 78th नंबर पे थे कौशब चटर्जी। ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया के पहले ग्रैंड चेस मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। रिसेंटली हु हैज़ वॉन द एशियन ब्रिलियंट्स टाइटल? तो आंसर है बी पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी इंडियन ब्रिलियंट्स प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रिजेश दमानी को हराकर टाइटल अपने नाम किया है। हु वॉन द बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर फॉर 2022? करेक्ट आंसर इज ए मीरा बाई चानू 2022 के लिए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। मीराबाई चानू जो है इंडियन वेट लिफ्टर है जिन्हें हिंदी में कहते हैं भारतीय भरोत्तोलक, जो मणिपुर से हैं। हु वॉन द मेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुषों का एकल किताब किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट है, मेन्स सिंगल्स टाइटल विनर है नोवाक जोकोविच सर्बिया से। इन्होंने स्टेफनोस सित्सिपास को हराया है जो ग्रीस से हैं। विमेन सिंगल्स टाइटल जीता है आर्याना सवालेंका जो बेलारूस से हैं। इन्होंने एलेना राइबिका काजकिस्तान से जो हैं इन्हें हराकर टाइटल जीता है। विच स्टेट वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य ने सबसे अधिक मेडल्स जीते हैं? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट कंट्री है भोपाल एमपी, होस्ट स्टेट मैक्सिमम मेडल्स जीते हैं महाराष्ट्र, जीता है 161 मेडल्स जिसमें 56 गोल्ड 55 सिल्वर 50 ब्रॉन्ज है। हरियाणा 128 मेडल्स 41 गोल्ड 32 सिल्वर 51 ब्रॉन्ज। मध्य प्रदेश 96 मेडल्स के साथ है तीसरे नंबर पे, 39 गोल्ड 30 सिल्वर 27 ब्रॉन्ज के साथ। विच कंट्री टॉप द आईसीसी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है? इंडिया। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट रिसेंटली? सबसे अधिक वेतन पाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है ए सी रोनाल्डो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप थ्री हाईएस्ट पेड एथलीट्स आर इंटरनेशनल सोकर स्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन डॉलर के वेतन के साथ सबसे पहले नंबर पे हैं। दूसरों में हैं लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर, तीसरा किलियन एम्बप्पे 120 मिलियन डॉलर के साथ। विच कंपनी बैक्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर द वीमेन्स प्रीमियर लीग? महिला प्रीमियर लीग के लिए किस कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सर्स प्राप्त किया है? तो आंसर है बी टाटा ग्रुप। हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर है ए चहल। हु क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। इन्होंने केकेआर के खिलाफ 11 मई को सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है। तो याद रखना है
व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड? विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 7 मई को। तो ये हर साल 7 मई को मनाते हैं, किस लिए? टू प्रमोट, यानी कि इसे सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेस एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। 2023 की थीम क्या रखी गई है? एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। वर्ल्ड एथलेटिक्स का गठन कब हुआ था? 1912 में। हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 1500 रन्स इन T20 IPL क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ ऑल बॉल्स फेस्ड? गेंदों का सामना करने के मामले में T20 IPL क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। तो नाम याद रखना है। इन विच कंट्री द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड? तो ये होगा साउथ कोरिया में। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 टूर्नामेंट जो है ये खेला जाएगा जून 27 से 30। होस्ट कंट्री बुसान साउथ कोरिया है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का लास्ट एडिशन जो है 2017 में खेला गया था, कहाँ? गोरगन ईरान में। विच कंपनी हैज़ बिकम द न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर्स ऑफ ICC? कौन सी कंपनी ICC की नई वैश्विक प्रायोजक बन गई है? मास्टर कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। CEO कौन है? माइकल नीबैक। फॉर्मर CEO थे अजय बांगा, जो अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हैं। हु हैज़ ऑनर्ड विद द लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? तो आंसर है लियोनेल मेसी। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है इन्हें। विच मेडल फलक मुमताज वॉन एट नेशनल इसके चैंपियनशिप? तो आंसर है बी, गोल्ड मेडल जीता है नेशनल इसके चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने। हु वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023? करेक्ट आंसर इज बी, सर्गियो पेरेज। हु बिकेम द 11th इंडियन वुमन टू अचीव द इंटरनेशनल मास्टर टाइटल और IM? तो आंसर है बी, वंतिका अग्रवाल। इंटरनेशनल मास्टर किताब हासिल करने वाली 11वीं महिला, इंडियन महिला बनी है। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 रन्स इन ODI? ODI में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डी बाबर आजम। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 97 पारियों में 5000 रन बनाने का आंकड़ा पार किया है। बाबर ने हमीस आमला का 101 पारियों में 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ विमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग 2023? महिला इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हु वॉन द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस टाइटल? फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का किताब जीता है जीन एरिक वर्ग ने, जो फ्रांस से हैं। इन्होंने फॉर्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद जीता है, जिसे होस्ट किया था हैदराबाद ने ही, तो इंडिया ने पहली बार इसे होस्ट किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विच स्टेट्स विमेन्स अंडर 18 टीम वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? आंसर इज बी, हरियाणा। विमेन्स अंडर 18 टीमों ने यूथ इंडिया गेम्स 2022 जीता है। चैंपियन हरियाणा है, हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर टाइटल अपने नाम जीता है विमेन्स अंडर 18। मेन्स अंडर 18 में चैंपियन मध्य प्रदेश है, ओडिशा को हराकर टाइटल जीता है। हु बिकेम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ODI क्रिकेट?
ओडीआई क्रिकेट में पांचवा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? ए विराट कोहली। हु वॉन मेन्स सिंगल्स टाइटल इन इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता कुनलावत विदिश शरण। इंडिया ओपन 2023, इंडिया ओपन जो है ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो न्यू दिल्ली में हुआ था। मेंस सिंगल्स टाइटल कुनलावत विदिश शरण जीता है जो थाईलैंड से हैं। विमेन सिंगल्स का टाइटल एन से यंग ने जीता है साउथ कोरिया से हैं। विच कंट्री वॉन द 2023 ICC अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल? करेक्ट आंसर इज बी इंडिया ने 2023 ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो होस्ट किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने। इंडिया ने अपना पहला टाइटल जीता है इंग्लैंड को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? ग्रेस स्क्रिवेंस को जो इंग्लैंड से हैं। सबसे अधिक रन किसने बनाया है? श्वेता सहरावत जो इंडिया से हैं। हु हैज़ वॉन द मेन्स सिंगल्स टाइटल इन 2023 मलेशिया ओपन? तो मलेशिया ओपन 2023 में मेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता है विक्टर एक्सलसेन जो डेनमार्क से हैं। विमेन सिंगल्स का टाइटल एकाने यामागुची ने जीता है जो जापान से हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू स्कोर सेंचुरीज इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स? तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले पहले इंडियन कप्तान कौन बने? रोहित शर्मा। हु हैज़ हिट द मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट मैचेस? ये क्वेश्चन यहाँ पे दो बार लिखा गया है। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? बेन स्टॉक्स ने। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 450 टेस्ट विकेट्स? सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो आंसर है रविचंद्रन अश्विन। अश्विन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है? तो दिया गया है ए रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।